खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, तेरी इमदाद और इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। सारी बुलंदियां सारी खूबियां अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जिसने हमें अपना प्यारा हबीब अता किया। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम पैगंबर आखिरुज़्ज़मा नबियों के नबी पैगंबरों के पैगंबर पर जिस जात ने हमें एक खुदा का पता दिया, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। हमारे बुजुर्गों का, हमारे असलाफ का हमारा एक तरीका रहा है, एक रिवायत रही है कि हम अपनी नातिया और दीनी बज्म का आगाज आसमानी लाजवाल किताब पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत बन कर आने वाले कुरान की तिलावत से किया करते हैं। इसके लिए अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ तिलावत कलामुल्लाह के लिए, तिलावत कलाम रब्बानी के लिए हाफिज ओकारी मोहम्मद वसी साहब किबला से कि आप तशरीफ ले आए और अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत से मुशायरे नात का आगाज और इफ्तिताह फरमाए। पूरा मजमा कारी वसी अहमद साहब का इस्तकबाल कर ले कि हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं और कयामत तक उन्हें गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं, कयामत तक उन्हें गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे और कुरान सिखाए। आइए कुरान करीम की आयत करीमा का की तिलावत से मुशायरे नातो मनकबत का आगाज वो इब्तिदा हो। कारी मोहम्मद वसी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, आपसे मुखलिसाना गुजारिश है कि आपके लिए अपने एतबार से जो बेहतर और मुनासिब जगह हो वहाँ आप आके बैठ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم